जय श्री ओम नमः सिंधेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षूत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। भाषा इसकी संस्कृत है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। द्वादशांग का सार, भगवान की वाणी का एसेंस निचोड़ इसमें तत्वार्षूत में है, उसे सभी को पढ़ना जरूर चाहिए। हम सभी लोग 3रा अध्याय पढ़ रहे थे जैन भूगोल के बारे में। जैन भूगोल में हमने देखा मध्यलोक में जम्बू द्वीप की संरचना, और जम्बू द्वीप की संरचना में भी हमने कल विदेह क्षेत्र के बारे में देखा था। अब ये पूरा का पूरा हमने जो है जम्बू द्वीप की संरचना के बारे में पढ़ा। अब आचार्य हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने व्यवस्था आपको अभी जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र तक की बताई है, मतलब दक्षिण दिशा तक की बताई है, क्या उत्तर दिशा में भी वही व्यवस्था है? तो इसके लिए आचार्य भगवान 26वां नंबर सूत्र बोलते हैं। हम सब लोग आज 26वां नंबर सूत्र का उच्चारण करते हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्यः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसे बोर्ड के माध्यम से एक बार उच्चारण करते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 26वां पढ़ेंगे। उत्तरा दक्षिण तुल्यः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः, कह रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर जितने भी पर्वत हैं, जितने भी वहाँ पर क्षेत्र हैं, वो कैसे हैं? दक्षिण तुल्यः, दक्षिण तुल दक्षिण के समान हैं। जो दक्षिण दिशा में अपन ने बनाए थे भरत क्षेत्र आदि बनाए थे, तो उनकी जो संरचना जैसे कि तैसी उत्तर दिशा में पाए जाने वाले पर्वतों की और क्षेत्रों की होती है, वैसा ही विस्तार, वैसा ही क्षेत्र का जो पर्वत है उनकी ऊंचाई और सरोवर आदि, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न हैं लेकिन वहाँ का जो भी विस्तार आदि है वो सिर्फ कैसा है? उत्तर दिशा में दक्षिण की तुल्य के समान, मतलब दक्षिण के समान हैं, ऐसा हमको जानना है। यहाँ पर आप स्लाइड में देखिए जम्बू द्वीप बना हुआ है, पूरा की पूरी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, और यह संरचना जो है इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। आचार्य भगवान ने यह कहा है कि उत्तर की दिशा में जितने भी पर्वत हैं, क्षेत्र हैं, और वहाँ की जो संरचनाएं हैं वो कैसी हैं? दक्षिण तुल्य हैं, दक्षिण दिशा के समान हैं। यह अर्थ हमको यहाँ पर समझना है। कहने का मतलब ये है जैसे भरत क्षेत्र है 526 योजन का विस्तार वाला, वैसे ही उत्तर दिशा में जो ऐरावत क्षेत्र है उसका भी 526 योजन विस्तार वाला है, मतलब भरत और ऐरावत इक्वल हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से यहाँ जो पहला पर्वत है हिमन नाम का पर्वत है, और अंतिम वहाँ पर जो शिखरिन नाम का पर्वत है उत्तर दिशा में, दोनों का विस्तार कैसा है? एक सा है। और यहाँ पर जो हेमवत क्षेत्र है और वहाँ पर जो हिरण्यवत क्षेत्र है, उन दोनों का विस्तार कैसा है? वो एक सा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो निषद पर्वत है और उत्तर दिशा में जो नील पर्वत है, उन दोनों का विस्तार कैसा है? एक सा है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल दक्षिण तुल्य की तरह उत्तर दिशा की हमें मानना है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब हमारे मन में जिज्ञासा प्रकट होती है कि जम्बू द्वीप की जो संरचना है, इन संरचनाओं में क्या कहीं कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? देखिए यह पूरी आकृतिम जो है संरचना है, परिवर्तन जो सिर्फ है भरत क्षेत्र और ऐरावत जो क्षेत्र है, इसमें जो आर्य खंड है
इन आर्य खंडों में ही सिर्फ काल का परिवर्तन होता है। वहाँ पर क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा और छठवा, इस प्रकार से ये छह कालों का वहाँ पर परिवर्तन होता है। कहाँ? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में, बाकी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विदेह क्षेत्र में जितने भी आर्य खंड हैं, जैसे अपन जम्बूद्वीप में 32 आर्य खंड हैं विदेह क्षेत्र संबंधी, वहाँ कोई काल का परिवर्तन नहीं होता, सदा चौथा काल ही रहता है। ऐसे ही जो हिरण्यवत क्षेत्र है या हेमवत क्षेत्र है, देव कुरु है, उत्तर कुरु है, इन सभी क्षेत्रों में यथावत स्थिति रहती है। वहाँ पर भोगभूमि काल है तो भोगभूमि काल शाश्वत ही रहेगा। पूरे जम्बू द्वीप में सिर्फ भरत एरावत के आर्य खंड में ही काल का परिवर्तन होता है। और जब यह प्रश्न उठता है कि काल का परिवर्तन होता है तो वह किस प्रकार से होता है, इसका समाधान करने के लिए आचार्य भगवान ने 27 नंबर का जो सूत्र आगे दिया है उसमें सब कुछ बताया है। हम सब लोग सबसे पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और अच्छी तरह से जो युग परिवर्तन की जो सृष्टि की होती है अपने आर्यखंड और भरत क्षेत्र के आर्यखंड और ऐरावत के आर्यखंड में, आज अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप लोगों ने अपनी जिनवाणी में सूत्र निकाल लिया होगा, तीसरे अध्याय का 27वां नंबर सूत्र है और उच्चारण करने के लिए हम सब तैयार रहें। भरतै रावतयोर् वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्ड वसर्पिणीभ्याम। एक बार पुनः, भारतै रावतयोर् वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्ड वसर्पिणीभ्याम। इस प्रकार से सूत्र का अपन ने उच्चारण किया। अब इसे बोर्ड के माध्यम से इसका सूत्र का उच्चारण करते हैं और संधि विच्छेद करके इसका अर्थ भी समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 27, देखिए बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं, क्या लिखा है? भरतै रावतयोर, ये रा नीचे लाएंगे, रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या या तक समयाभ्या मुत सर्पिंड वसर, ये रा जुड़ जाएगा साथ में, वसर पीड़ी भ्याम। भरतै रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत सर्पिंड वसर पीड़ी भ्याम। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तो सूत्र 27 की संधि विच्छेद देखते हैं अपन। भरत ऐ रावतयो, रा का विसर्ग हो जाएगा, ऐ रावतयो वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम और उससे निकलेगा उ, तो उस सर्पणी, और यहाँ पर ना के पास या था, या को ई हो गया, उससे निकले आ, तो अवसर्पणी भ्याम, अवसर्पणी भ्याम। इस प्रकार से भरत ऐरावतयो वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणी भ्याम, ये संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए सूत्र का क्या अर्थ होता है। तो भरत ऐरावतयो सप्तमी का द्विवचन, भरत और ऐरावत क्षेत्र में, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रासौ, वृद्धि होती है और ह्रास होता है, विकास होता है और अवनति होती है। इस प्रकार से वहाँ पर बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। वहाँ पर जो भी कुछ भी है बढ़ता और घटता, क्या बढ़ता घटता है? भरत ऐरावत क्षेत्र घटता बढ़ता है, ऐसा नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र घटता बढ़ता नहीं है। वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, उनका आयु, उनका बल, उनका अनुभव और उनका बुद्धि, ये सब क्या होती है? अवगाहना, शरीर की ऊंचाई आदि, ये वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होती है, ठीक है। कब तक होती है? षट समयाभ्याम, छह समयों में,
कितने समय में? 6 समय। यहाँ समय का मतलब एक समय वाला समय नहीं लेना, 6 काल, समय मतलब यहाँ लेना काल। 6 कालों में क्या होती है? वृद्धि होती है और ह्रास होता है। कहाँ पर? भरत और ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य त्रयंचों के शरीर आदि, बल आदि, आयु आदि, अवगाहना आदि, अनुभव आदि में क्या होता है? ह्रास भी होता है और वृद्धि भी होती है 6 कालों में, ठीक है ना। जैसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी भाग से 2 में विभाजित किया जाता है। वृद्धि को बोलते हैं उत्सर्पणी और ह्रास को बोलते हैं अवसर्पणी। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों में भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास क्रम से होता है। इसका अर्थ ऐसा हो गया, क्या हो गया, या ऐसा लगा सकते हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समाभ्याम 6 कालों में वृद्धि और ह्रास क्रम से होता है। मतलब उत्सर्पणी जब काल आएगा तो उस समय 6 काल तक क्या होगी? वृद्धि ही वृद्धि होगी। जब अवसर्पणी काल आएगा तो 6 काल तक क्या होगी? ह्रास ही ह्रास होगा। मतलब एक में विकास और दूसरे में ह्रास होगा। इस प्रकार से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर खंड में, अब यहाँ आर खंड लिखा नहीं है पर अपन को लगा लेना है, क्योंकि मिलेच्छ खंड में इस प्रकार का वृद्धि और ह्रास नहीं होता है, ठीक है ना। इस सूत्र का अर्थ आपने समझा। अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपन समझते हैं। नमोस्तु महर्षि, भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन क्यों होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि अन्य जो क्षेत्र हैं वो शाश्वत क्षेत्र हैं। वहाँ पर जो जैसे उत्तम भोगभूमि हैं, मध्यम भोगभूमि हैं, जघन्य भोगभूमि हैं, वो शाश्वत भोगभूमियाँ हैं। जैसे उत्तर कुरु, देव कुरु में भोगभूमि हैं, वो शाश्वत भोगभूमि हैं। इसी प्रकार हेमवत और हरणवत जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जघन्य भोगभूमि है वह भी शाश्वत भूमि है, और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा जानना। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में के आर खंडों में शाश्वत जो भूमियां हैं वो भूमियां नहीं हैं। वहां पर पहला, दूसरा, तीसरा काल तो क्या होता है? उत्तम, मध्यम और जघन्य भूमिवत होता है। लेकिन चौथा जो काल होता है वो कर्म भूमिवत होता है। जैसे विदेह क्षेत्र में जो 32 नगरियां हैं वहां पर शाश्वत कर्म भूमियां होती हैं, लेकिन यहां पर जो है शाश्वत कर्म भूमियां नहीं होती हैं। यहां पर काल का परिवर्तन होने के बाद चौथे काल के बाद पंचम काल, पंचम के बाद छठम काल, इस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है। अन्य काल में शाश्वत चीज़ें हैं और वो शाश्वत ही व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा ही काल की व्यवस्था है जहाँ पर युग परिवर्तन होता रहता है। इसलिए भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही क्या होता है? काल का परिवर्तन शास्त्रों में बताया है कि वहाँ पर वृद्धि और ह्रास रूप में परिवर्तन पाया जाता है। सूत्र में हम सभी लोगों ने देखा था 6 समयाभ्याम, 6 समयों में मतलब 6 कालों में, 6 कालों में। ये 6 काल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सूत्र में अपन ने उत्सर्पणी और अवसर्पणी देखा कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी किसे कहते हैं। उत्सर्पणी मतलब वृद्धि का काल, अवसर्पणी मतलब ह्रास का काल, और दोनों में कितने कितने काल होते हैं? 6 काल, 6-6 काल होते हैं। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल कितना कितना होता है उसे अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर, उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, और अवसर्पणी काल भी लिखा हुआ है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। दोनों को मिला दो तो कितना बन गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इसे कल्पकाल भी कहते हैं। एक कल्पकाल कितना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। इस प्रकार से देखा, अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं, और दोनों को मिलाने के बाद एक कल्पकाल बनता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से एक कल्पकाल जो है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, ये कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं?
कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो लब्ध आता है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। कितने शून्य हो जाएंगे? 14 शून्य हो जाएं, एक के पीछे 14 शून्य लगा दीजिए, ये कोड़ा कोड़ी बन जाएगा। मतलब 1 करोड़ में गुणा करें तो 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं, तो 7 × 2 = 14 शून्य लग जाएंगे। तो इतना जितना टोटल होगा वो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। और अब देखिए क्या बोले, कोड़ा कोड़ी सागर। और सागर मैंने आपको पहले बताया था कि सागर का क्या विस्तार होता है, वही जो पहले क्लास में बता चुके हैं, 2000 कोश का जो गड्ढा कीजिए, चौड़ा लंबा, उसी प्रकार से वो सारी आपको मैंने बताया है। ना हो तो आप पीछे की क्लास से देख सकते हैं, और चैनल वाले YouTube में भी डालते हैं, उससे भी आप उसमें पीछे की क्लास में जाके देख सकते हैं। और किसी को भी शंकाएँ हों इस क्लास संबंधी, तो वो शंकाएँ भी अपनी भेज कर सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी। मतलब जो एक सागर जो होता है वो कितना होता है? तो 10 कोड़ा कोड़ी पल का एक सागर होता है। सागर जो है, यहाँ कौन सा सागर लेना है? 10 कोड़ा कोड़ी पल। और पल की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, अधा पल, व्यवहार पल, उद्धार पल और अधा पल। जो अधा पल हैं उन पलों को यहाँ पर लेंगे, तो 10 कोड़ा कोड़ी अधा पलों का एक सागर होता है। जब एक सागर ही इतना बड़ा है तो सोचिए कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल का प्रमाण कितना होगा। एक काल का समय का हमने जाना। अब इसमें से जो 6 काल हैं, कितने काल हैं? 6 काल हैं, उत्सर्पिणी में भी और अवसर्पिणी में भी। उन कालों को भी स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अवसर्पिणी काल के 6 काल संक्षेप से समझ लेते हैं, फिर उनको विस्तार से समझेंगे। अवसर्पिणी के 6 काल कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जहाँ अवसर्पिणी मतलब ह्रास, कम 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 होना, और अवसर्पिणी मतलब विकास, विकास होना। तो अवसर्पिणी के 6 काल यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखिए क्रम से। पहले लिखा सुषमा, सुषमा काल, इसको उत्तम भोग भूमि कहते हैं। सुषमा, सुषमा का मतलब होता है सुख ही सुख। जहाँ पर सुख ही सुख है वह सुषमा, सुषमा काल कहलाता है, इसी को ही उत्तम भोग भूमि कहते हैं। दूसरा जो काल है वो सुषमा, जिसमें सुख ही सुख नहीं है पर सुख है, सुख है, दुख नहीं है, सुख है पर अति सुख नहीं है, सुख है, उसे कहते हैं उत्तम भोग भूमि, अर्थात दूसरा काल, ठीक है ना। तीसरा जो काल लिखा हुआ है सुषमा दुष्मा, सुषमा दुष्मा, सुख अधिक और दुख कम, सुख अधिक और दुख कम, ये तीसरा काल है जिसे कहेंगे जगन्य भोग भूमि। चौथा जो काल है दुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा, इसे क्या कहेंगे? दुख अधिक सुख कम, दुख अधिक सुख कम, इसका नाम है दुष्मा सुषमा। इसमें कर्म भूमि होती है। क्या होती है? कर्म भूमि होती है। इसी में महापुरुष आदि का जन्म होता है, इसी में हम लोग सब साधना करके मोक्ष को भी जा सकते हैं। यह काल ऐसा होता है, कर्म कर सकते हैं। और पांचवी जो भूमि होती है वो मात्र दुष्मा, क्या है? दुख, उसमें दुख हैं, इसे भी कर्म भूमि कहते हैं। इसे पंचम काल जैसे अपन कहते हैं, पांचवा नंबर का हो गया, इसलिए पांचवे काल को पंचम काल, छठवे काल को छठम काल कहते हैं। उसका नाम है दुष्मा दुष्मा, दुख ही दुख। कैसे हैं? उसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, सुख नाम की एक कणिका भी नहीं है, दुख ही दुख हैं, जिसे अपन छठम काल कहते हैं। ये भी कर्म भूमि है। तो ऊपर की जो तीनों भूमियां हैं, तीनों जो काल हैं, वो उत्तम मध्यम जगन्य भोगभूमि हैं, और जो नीचे की जो तीन जो काल हैं वो तीनों की तीनों कर्म भूमियाँ हैं, जहाँ पर लोगों को कर्म करके, मेहनत श्रम परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। भोग भूमि में इस प्रकार का नहीं है, वहाँ तो कल्प वृक्षों के माध्यम से मन में चिंतित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वहाँ पर सुख है। लेकिन उन सुख में भी पहले में ज़्यादा ज़्यादा, फिर कम और कम,
इस प्रकार से अपन ने देखे ये छह कालों के व्यवस्थाएं, ये अवसर्पणी काल के बढ़ते से घटते घटते हैं, नीचे देखो घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। और उत्सर्पणी जब काल होगा तो क्या हो जाएंगे, उसमें अपन नीचे से ऊपर चलेंगे। उत्सर्पणी में क्या चलेंगे, उत्सर्पणी का पहला काल कौन सा कहलाएगा, दुखमा दुखमा, मतलब दुष्मा दुष्मा, उसमें दुख ही दुख, मतलब छठम के बाद जो छठम आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा और फिर पहला आएगा। तो उस सर्पणी में क्या है, वो चढ़ना है। जैसे अपने पास एक घड़ी लगी हुई है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अपन आए, तो ये क्या हुआ, ह्रास हुआ, उतरने का क्रम है, और चढ़ने का क्रम क्या हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से ये चढ़ने का क्रम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमको लगाना है कि ये समय का चक्र संसार में भरत भूमि और ऐरावत भूमि के आरखंड में सदा ही चलता रहता है। हम सब लोग अभी पंचम काल में हैं, ठीक है ना, इसके बाद सप्तम काल आएगा। तो इस प्रकार से, इन प्रकार से अपन ने अवसर्पणी के काल के नाम देखे और उत्सर्पणी के काल के नाम देखे। अब इनमें और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल रूप में समझेंगे। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, भोग भूमि की क्या विशेषताएं हैं, कृपा समाधान कीजिए। भोग भूमि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं को मैं बता रहा हूँ, आप नोट भी करते जाना। पहली विशेषता तो वह है, यहाँ पर जन्म जो होता है वो युगलिया होता है, मतलब एक साथ पति पत्नी का जो जन्म होता है वो युगलिया रूप में होता है, ठीक है। नर मादा का जन्म एक साथ होता है, पहला। दूसरा, 10 कल्प वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जिनके पास से चिंतन करने से वह वस्तु की प्राप्ति होती है। और जैसे मैंने बताया, पति पत्नी का एक साथ उत्पन्न होना, पति का नाम जो है आर्य होता है और पत्नी का नाम आर्या होता है, सभी का वहाँ पर इसी प्रकार से नाम होता है, आर और आर्या। सभी जीव मरकर के नियम से देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनित्रक में होंगे, भवनवासी वैंतर और ज्योतिष में, और सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले और दूसरे स्वर्ग में जन्म लेते हैं, इस प्रकार से इनका दूसरी पर्याय के बारे में बात है। वहाँ पर विकलत्र जीव नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो विकलत्र जीव होते हैं वो वहाँ पर जीव यह नहीं पाए जाते हैं। इनको रोग आदि नहीं होता है और निहार आदि भी नहीं होता है, इस प्रकार से वहाँ पर ये दो कार्य भी नहीं होते हैं। जीवन के अंत में पत्नी जो है गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म दे करके पुरुष को छींक आती है और महिला को, पत्नी को जो है वो जमाई आती है और दोनों का एक साथ मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ की इस प्रकार से कुछ विशेषताएं रहीं। अपन ने देखा कि वहाँ विकलत्र जीव नहीं है तो कीड़े मकोड़े आदि वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, युगलिया जन्म होता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, मरकर भी वह देव आदि पर्याय को प्राप्त होते हैं, और पति पत्नी को नाम जो वहाँ पर है आर्य और आर्या नाम पड़ता है, जितने भी वहाँ पर जितने भी जीव हैं। तो इस प्रकार से ये भोग भूमि के जीवों की या वहाँ की व्यवस्थाओं की ये आपने विशेषताएं सुनी। वहाँ पर जैसे भूकंप आना, जैसे बहुत अति वर्षा होना, बरसात होना, बहुत धूप होना, इस प्रकार के प्राकृतिक संबंधी भी किसी प्रकार के दुख नहीं हैं, इस प्रकार का यह भोग भूमि का स्थान कहलाता है। शेष विषय अपन सभी भोग भूमि में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में कल समझेंगे। आज हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूचे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोक, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं,
एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।